चढ़ती कला फास्ट न्यूज़। सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारदे हुण तक दीआं खास खबरां ते। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट राही ऐलान किया कि पंजाब विच जिन्नियां भी गड्डियां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप लैके जांदियां ने, जिन्हां नूं पालकी साहिब वाली गड्डी कहा जांदा है, पंजाब सरकार वल्लों उन्हां व्हीकलां दा हर किस्म दा टैक्स माफ कीता गया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने CIMMYT दे डायरैक्टर मिस्टर ब्राम गोवर्टस अते बोरलॉग इंस्टीट्यूट साउथ आइसा दे MD प्रोफेसर अरुण जोशी नाल मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस बाबत ट्वीट किया जिस विच उन्होंने दस्सिया कि मुलाकात दौरान पंजाब विच मक्की अते होर फसलों की खेती ते मंडीकरण नूं हुलारा देने संबंधी विचारां कीतियां गईआं। उन्हें कहा कि सरकार किसानों नूं कणक झोने दे फसली चक्कर तों निजात दिवाउण अते ढुकवां बदल देण लई काम कर रही है। पंजाब दे वित्त योजना आबकारी अते कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दस्सिया कि वित्त विभाग ने इस हफ्ते 3 उच्च सिक्ख्या संस्थावां लई 15 करोड़ रुपए जारी करन दी प्रवानगी दित्ती है। इस संबंधी जानकारी दिंदे हरपाल सिंह चीमा ने दस्सिया कि वित्त विभाग ने पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दस्सिया कि वित्त विभाग ने माझा खेत्र दीआं 2 उच्च संस्थावां लई 8.5 करोड़ रुपए जारी करन नूं प्रवानगी दित्ती है, जिस विच श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कैरों तरन तारण उसारी कार्यों लिए 6.75 करोड़ रुपए और IIM अमृतसर लिए 1.71 करोड़ रुपए जारी करने प्रवानगी दी गई है। सरदार चीमा ने अगे दसा कि वित्त विभाग ने डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल सैंसज मोहाली में वित्तीय साल 2022-23 प्रवानित बजट में 6.5 करोड़ रुपए की बकाया राशि एक मुश्त रकम वजों जारी करने प्रवानगी दी है। पंजाब दे वित्त योजनाकार ते आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल राय तराना शादी हरी दे नवें बने कमरे अते सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कौरियां विखे साइंस लैब अते लाइब्रेरी की नवी इमारत का उद्घाटन करने की रस्म अदा की। इस मौके स्कूली विद्यार्थियों समेत होर पतवंतियों नूं संबोधन करदे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार वल्लों सिक्ख्या दे म्यार नूं होर उच्चा चुकने लई सिक्ख्या नूं तरजीही खेत्र वजों रखिया गया। उन्हें कहा कि इसे उद्देश तहत सरकारी स्कूलों नूं आला दर्जे दे स्कूलों वजों विकसित करने की प्रक्रिया प्रगति अधीन है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों के अध्यापकों नूं गैर अध्यापन जिम्मेवारियों तो मुक्त कर दिता जाएगा। उन्हें यह भी कहा कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास को यकीनी बनाने के साथ-साथ अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO ने पंजाब सरकार वालों घरेलू खपतकारां दी कीती गई बिल माफ़ी बारे खुलासा करते हुए दस्सिया कि इस बार सरकार वालों 300 यूनिट प्रति महीना दिती गई छूट कारण राज दे 25 लाख घरेलू खपतकारां दे बिजली बिल जीरो आए ने। अमृतसर विच पत्रकारां नाल गलबात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि पहली बार है कि सरकार शुरुआती साल विच ही अपने चोण वादे पूरे कर रही है, नहीं तो सरकारां निक्के निक्के चोण वादे अपनी सत्ता दे आखिरी साल विच ही पूरे कर दियां ने। उन्हां स्पष्ट किया कि इस बिजली माफ़ी विच कोई जात धर्म नाल वितरण नहीं किया गया, हरेक घर नूं जो 600 यूनिट तक बिजली खपत करेगा दा बिजली बिल जीरो आवेगा, इस तों बाद जो बिजली वरतेगा उसनूं बिजली दा बिल पूरा देना पवेगा। इस तों इलावा 34 लाख परिवारों नूं 3 रुपए प्रति यूनिट नाल रियायती बिजली का लाभ भी मिले। श्री गुरु नानक देव जी के ब्याह पुरब नाल संबंधित बटाला के गुरद्वारा डेरा साहब तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के छत्र छाया हेठ 5 प्यारों की अगवाई विशाल नगर कीर्तन कढ़ाया गया। इस महान नगर कीर्तन देशों विदेशों तो लखों की तादाद में संगत ने शमूलियत की। इस मौके विशेष तौर उत्ते पहुंचे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सानू श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिक्ख्यावां उत्ते चलण दी लोड़ है। उन्हें कहा कि बाबे नानक दी चरण छोह प्राप्त धरती बटाला के गुरद्वारा डेरा साहब तो नगर कीर्तन सजाया गया अते धरती करमां वाली है, जिथे श्री गुरु नानक देव जी की बरात इत्थे पहुंची सी अते अपना गृहस्थी जीवन श्री गुरु नानक देव जी ने माता सुलखणी जी नाल आनंद कार्ज करवा के शुरू किया। श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखणी जी के ब्याह पर्व समागम पूरे उत्साह से जाहो जलाल नाल मनाए गए। इस पवित्र दिहाड़े उत्ते गुरद्वारा श्री कंध साहिब विखे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के माता श्रीमती हरपाल कौर जी, धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, भैन श्रीमती मनप्रीत कौर, हलका विधायक अमन शेर सिंह सैरी कलसी ने मत्था टेकिया, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कीतियां। इस मौके कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, डिप्टी कमिश्नर जनाब मुहम्मद इशफाक भी मौजूद रहे। गुरद्वारा साहब विखे नतमस्तक होने उपरांत उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र चरणों की शोह प्राप्त धरती विखे विआह पुरब समागम
शामिल होने का उन्होंने सुभाग मिले और गुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद करते हैं। उन्होंने समूह गुरु नानक नामलेवा संगतों को ब्याह पुरब की बधाई दी। गुरुद्वारा कमेटी के मैंबरों वालों मुख्यमंत्री पंजाब के परिवारिक मैंबरों को गुरु घर की बख्शिश सरोपाव देकर सम्मानित किया गया। इस उपरांत उन्होंने गुरु का लंगर भी छकिया। सो अज लई फास्ट न्यूज़ विच इन्ना ही, जांदे जांदे नज़र मारदे आं मौसम दे हाल उत्ते। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्नवाद। चढ़ती कला फास्ट।